में कमाल हो गया, नवगाय में धमाल हो गया, राणा ताहिर ने कुछ ऐसा लिखा कि धुआं भी लाल हो गया। पुस्तक विमोचन समारोह का किया गया आयोजन जिले के संग्रामपुर प्रखंड के अंतर्गत नवगाय पुरानी ठाकुर बारी में पुस्तक विमोचन समारोह जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विधिवत उद्घाटन कवि रंजन शर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, विनय सिंह, सुरेंद्र सिंह इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। वही कार्यक्रम का मंच संचालन कवि छबिलाल झा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नौगांव ग्रामवासी भारत देश के सरहद पर सेवा करने वाले फौजी राणा दाहिर उर्फ दशरथ फौजी ने किया। वही कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों कवि ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सभी कवियों को राणा दाहिर सिंह के द्वारा अंग वस्त्र एक बुके देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में शिरकत कर रहे कवि रंजन शर्मा ने कविता के माध्यम से कहा कि सच हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, मुंह हम नहीं खोलेंगे तो फिर कौन। दूसरा कवि प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। कवि राम खेलाबन शर्मा ने राणा दाहिर सिंह के लिखे कविता लाल धुआं के बारे में रामायण महाभारत जैसे कई उदाहरण देकर बताया गया। वहीं और कवि ने सुरेंद्र सिंह, निरंजन सिंह, अनिल शर्मा, विनय सिंह इत्यादि लोगों ने अपने अपने कविताओं के माध्यम से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वहीं कार्यक्रम के अंत में राणा दाहिर ने इस पुस्तक विमोचन जैसे कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसको लेकर के मन में यह आशा जागा कि क्यों नहीं देश के रक्षा के साथ साथ अपना कीमती समय हर रोज निकालकर कुछ कविता लिखा जाए। मन में यह आशा जगा तो लिख डाले। ये पुस्तक दिसंबर महीने 20 से 24 के अंत तक हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। वही कार्यक्रम के अंत में सभी कवि एवं गांव के कई गणमान्य व्यक्ति के द्वारा राणा दाहिर सिंह को फूल माला पहना करके सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद दिया। वही कार्यक्रम के दर्जनों व्यक्ति ने बताया कि हमारे गांव के ये गौरव की बात है, इस तरह के युवा देश की सरहद पर रक्षा करते हुए भी इन्होंने आज लाल धुआं जैसे बुके लिखने का कार्य किया है, ये काफी गर्व की बात है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को जितना सराहना किया जाए उतना कम है, इससे आने वाले पीढ़ी युवा को सीख लेनी चाहिए। वही कार्यक्रम के मौके पर दर्जनों गांव के आसपास के लोग मौजूद थे। गुप्त न्यूज संग्रामपुर मुंगेर। महफिल में कमाल हो गया, नवगाय में धमाल हो गया, राणा दाहिर ने कुछ ऐसा लिखा कि धुआं भी लाल हो गया। होते नफरत की बातें तो गंगा याद आता है, जहां पापी के भूलते पाप वो गंगा याद आता है। मैं लिखना चाहता हूं प्यार और श्रृंगार की बातें, उठाता हूं कलम जब भी तिरंगा याद आता है, उठाता हूं कलम जब भी तिरंगा याद आता है। होली के रंग बिरंगे में रंग जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में रंग जाऊं। होली के रंग बिरंगे में रंग जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में रंग जाऊं। मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, पर किस्मत कहां कि तिरंगे में लिपट जाऊं। कभी मुंह नहीं खोलेगा तो खोलेगा कौन, कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन, सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। ईमान धर्म पर आज आ जाए, रिश्वत पर नहीं बोलूंगा, ईमान धर्म पर आज आ जाए, रिश्वत पर नहीं बोलूंगा। कोई गर्दन पर तलवार भी रख दे तब भी मैं सच ही बोलूंगा। काला चिट्ठा नहीं खोलूंगा तो फिर खोलेगा कौन, सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। हमारे देश में जब बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तब हर कलम कुछ ना कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। तब हमने लिखा कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, सरहद पर तो बेटा खोते घर में बेटी कोई है। कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है, कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है। सच को सच लिखने वाला है, बचा कहां अखबार है। जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में, जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में।
मैं बेटियों के लिए भी एक संदेश देना चाहूंगा, ऐसी चाहत मत करना बेटी, पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, 35 टुकड़ों में बढ़ जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना। जय हिंद जय भारत। कुआं काला कुआं करता है, लेकिन फौजी भाई के किताब में लाल धुआं है। जरा इनकी एक पंक्ति में पढ़ूं, जिस समय ध्यान दीजिए, लिखा गया है। मैं उन परिवार का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हमारे बीच हमारे गुरुदेव आभार व्यक्त करता हूं। और फौजी साहब ने हर विधा पर चाहे कितना अर्जेंट माहौल है, इसके सौंदर्य को देखने के लिए, समझने के लिए हमारी अपील होगी। ये बैठक जो है, हम बैठक की ओर से भी कह रहा हूं कि इसको संभालने के लिए